निर्यात फर्म मैसर सम्राट इंटरनेशनल डिप्टी गंज मुरादाबाद के प्रोपराइटर, एक्सपोर्टर्स कोऑर्डिनेशन सोसाइटी के प्रेसिडेंट, मशहूर एक्सपोर्टर और समाज सेवी शफात अहमद खान ने सभी भारतीय नागरिकों से अपील की है कि अयोध्या विवाद पर उच्चतम न्यायालय का जो भी निर्णय आए सभी लोग उसका सम्मान करें। यदि निर्णय किसी के पक्ष में है तो वो जश्न न मनाएं, और अगर किसी के खिलाफ है तो वो संविधान और कानून के दायरे से बाहर जाकर उसका विरोध ना करें। शफात अहमद खान 3 नवंबर की शाम को डिप्टीगंज मुरादाबाद स्थित अपने ऑफिस में सिटी चैनल 24 के साथ बातचीत कर रहे थे। इस अवसर पर उनके पुत्र, युवा निर्यातक और एक्सपोर्टर्स कोऑर्डिनेशन सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर जीशान अहमद खान भी मौजूद रहे। शफात अहमद खान ने इस मौके पर यह भी अपील की कि सभी लोग मिलजुल कर रहें, अमन अमान कायम रखें और अफवाहों पर ध्यान न दें। श्री खान ने कहा, आप सभी जानते हैं हमारा मुल्क सेकुलर मुल्क है, तमाम ही मजहब के लोग अपने अपने तरीके से इबादत करते हैं। तकरीबन 25 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का मुकदमा चल रहा था, जिसका जजमेंट होने में अभी कुछ वक्त है और सभी को बेचैनी से इंतज़ार है। तो हमारी अपील है तमाम ही हिंदुस्तान के रहने वालों से कि जब भी फैसला आए तो उसको किसी के फेवर में भी आए तो आप उसको सब्र करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है और उसका सभी को कहना मानना है, उसके हुक्म की तामील करना है। यही हमारा मुल्क का सबसे बड़ा एक तरीका है, और सारी दुनिया में भी जितने भी मुल्क हैं सब में अगर सुप्रीम कोर्ट को हुक्म देती तो चाहे वो सियासी पार्टी हो या आवाम हो, सबको उसका फैसला मानना पड़ता है। तो हम एक बार फिर आप लोगों से अपील करते हैं कि अपने शहर में अगर कोई अफवाह उड़ाए या कोई गलत बयानी करे तो उसकी इत्तला आप इंतज़ामिया को दें और ख़ुद सब्र करें, खामोशी से इसका इंतज़ार करें कि जो भी कुछ होगा वो आप सबके हक़ में बेहतर होगा। हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या जितने मजहब के मानने वाले लोग हैं हिंदुस्तान में शराफत के साथ अमन के साथ रहते और हम अमन के साथ रहना जारी रखेंगे। हमारा मुल्क तरक्की करेगा, क्योंकि हमारे मुल्क में 60% नौजवानों की आबादी है, तो यहाँ पर मैन पावर इतनी ज़्यादा तादाद में है, वो मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर सकता? वो जब ही करेगा जब हम मिलजुल के काम करेंगे और एक दूसरे पर भरोसा करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बिल्कुल इत्तफाक करेंगे।